नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज 1 मई है, साल के 5वें महीने का ये पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पे। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। इसकी राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। आज ही के दिन 1 मई साल 1960 में पहली बार महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था। 1 मई का दिन कामगारों के लिए खास दिन है, क्योंकि इसी दिन उनको सबसे बड़ा अधिकार मिला। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, जिसे लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी देश के विकास में वहां के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे में ये दिवस उनके हक की लड़ाई, उनके प्रति सम्मान भाव और उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का प्रतीक है। अनुष्का शर्मा मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो जाना पहचाना नाम है। अनुष्का शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज ही के दिन 1 मई साल 1988 में हुआ था। अनुष्का ने साल 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से शादी की थी और क्रिकेट मैचों के दौरान अक्सर साथ देखे जाते हैं ये दोनों। वहीं 11 जनवरी 2021 को अनुष्का और विराट की एक बेटी हुई है, जिसका नाम वामिका है। निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला देशपांडे का निधन आज ही के दिन 1 मई साल 2008 को हुआ था। निर्मला जी अंतिम समय तक महात्मा गांधी के सिद्धांतों के आधार पर लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती रहीं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।